सोचो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज किया जाए। ठीक है भाई, ये देखो सना प्लान बना रही है अपना। यार 2 मिनट यार, कैसे खा सकते कच्चा खा के दिखा दे। चैलेंज दो, 100 रुपए इनाम, 100 रुपए तभी मिलेंगे वरना नहीं। क्यों, कोई इलाज हो किसी के पास तो बताइए। हम कैसे हैं आप सब लोग, आए हो कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, पूरा घर कर रहा है हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि ये भी जरूरी है। बच्चे सुबह उठ चुके थे, हॉलीडे होमवर्क प्रिंटिंग चल रही है, सब काम कर रहे हैं और कुनाल की ड्यूटी लगी हुई है। कुनाल और ये हॉलीडे होमवर्क कर रहा है, हॉलीडे और वो हॉलीडे होमवर्क कर रहा है ना, साथ में नाम लिख रहा है कि वो बाय कुनाल शर्मा भी जाएगा। क्रेडिट्स टू कुनाल जी। और प्रिंटिंग क्योंकि वो कर रहा है और सब कुछ, तो बड़े भाई का फर्ज निभाना तो पड़ेगा। और बने रही है ब्लॉग को देखते रहिए। और आज खाने में बना है स्पेशल चीज तोरी। कल टिंडे बने थे, आज बनी है तोरी। नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं। आज तो तोरी खाएंगे और नहीं खाएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा तू भी खाएगा। अच्छा बने रही है, दोपहर तक बने रही है, देख खाते हैं खाएंगे कि नहीं खाएंगे बच्चे तोरी। हम तो नहीं। और आपको बच्चे गए हैं पढ़ने। आपको एक बार बताऊं, कल रात को ना मिस्ट्री मन और मैं, हम लोग जैसे रात को हो जाता है तो लगा कि कोई मूवी देखते हैं, तो समर ब्रेक है तो टाइम भी होता है, तो सना कह रही मेरे को नींद आई है, तो हमने सोचा वो देखते हैं। कौन सी? एक ही बंदा काफ़ी है, मनोज बाजपेयी जी की। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है यार। वो चीज़ तो मैंने सुनी भी थी, सब कुछ पता था, बट वो जो पिक्चर है, जो मनोज बाजपेयी है, हैट्स ऑफ है उनकी एक्टिंग को, बहुत ही मस्त। उन्हें देखिए ना, मतलब, और सना भी उठ गई, सना को भी अच्छी लगी। और मतलब पता चलता है कि कितना क्रूअल है यार ये आसपास के लोग, है ना, बड़ा डर लगता है बच्चों के लिए कई बार, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत एक होता है ना आई ओपनर होती है वो वाली मूवीज़। और किस किस ने देखी है बताना, और नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी है। Zee5 पे है मेरे ख्याल, हमने कल देखी थी। और ऐसे ही कोई जो देखूंगी मूवीज़ आपको बताऊंगी। बच्चे पढ़ ले, आप लंच की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं। मसाले लाने के लिए तो वही आ गई है सबके लिए। 2 जनों के लिए पराठी, और दादी खा रही है हेल्दी बैम्बिनो। सना प्लेनी नमक वाली पराठी खाती है। इसमें क्या नमक परफेक्शन है यार, बहुत। चलो चाची मत, पूरी भी खानी आ रही है डॉगी के साथ। पूरी तो बिल्कुल नहीं खाते दिन के, तो फिर मार के खिला देती हूं। ये देख लो, ये मेरे सिर पे खड़ा है एक आधे घंटे से, कि मैं नीचे जाऊं। कहाँ नीचे जाऊं इतनी धूप में? शौर्य मना किया ना, नहीं जाना, बहन के साथ रहो। वो देख, इसको मार ले कूट ले, घर ही रह। अच्छा सुन, रात को क्या खाएगा? कुछ बढ़िया यार। अच्छा क्या है क्या आज? मैं सोचूं पोटैटो वेजेस एक बार एयर फ्राई में ट्राई तो करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, थोड़े थोड़े टेस्ट करके देखेंगे। नहीं अच्छे लगे तो आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये चैलेंज है। आज तो राजमा आ रहे हैं ना डॉली, कल मटरी कुलचे बनाते हैं। यस, क्रेजी फैम आ गई छत पे। बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, मैंने कहा अपना टाइम निकाले, टेरिस पे आ गई। 6 to 7 और 6 बजे ऐसी, इतनी अभी भी इतनी धूप है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी जैसे दोपहर को नहीं होता, अभी थोड़ी देर तक हो जाएगी छाया और मौसम हो जाएगा बढ़िया, बट अभी तो बहुत धूप है। बट अगर अभी नहीं आती ना, 6 बजे नहीं आऊँ तो नहीं निकल सकती, फिर तो नहीं आ पाऊँगी। फिर तो वही बात है, काम शुरू हो जाएंगे, बच्चों के सर आएंगे, सना की क्लास होगी, वहाँ नीचे रहना भी ज़रूरी होता है। तो ये समझ लीजिए मेरा मी टाइम है। मी टाइम होता ना, कोई कैसे बिताता है, कोई कैसे बिताता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा, और अब तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं क्या थोड़ा सा बात करूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कॉल पे बात नहीं करते, और एक आधा जो फ़ोन करना होता है यहाँ पे कर लेती हूँ। इस टाइम पे सारा दिन तो बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता। मैं सोचूँ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, ये फ्राई फ्रूए बच्चों को शुरू से आदत थी, एयर फ्रायर की डालो, कि ऑयल ऑयल ज़्यादा खाए ना। हम लोगों को तो यार हमारा बचपन तो ऐसे ही निकल गया, उस टाइम होती भी नहीं थी चीज़ें, ऑप्शन भी नहीं होते थे। अब तो मैं मतलब वाइट ब्रेड लाते ही नहीं, हम लोग होल व्हीट ब्रेड लाते हैं, पाव भी मैं वीट वाले ही लेती हूँ, और बर्गर्स हैं वो भी वीट वाले ही लेती हूँ। मतलब मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बच्चों को ना खिलाया जाए, अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ, बट ये है ना कि फिर भी ये जो बाहर का खाना होता है ना, ये बड़ा तंग करता है। बट चलो कोई बात नहीं, यही टाइम है, हमने अपना टाइम निकाल लिया, बच्चों के टाइम रिस्ट्रिक्शन डाल दें वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस अब सैर कर लूँ, अब मेरे से ज़्यादा बात नहीं होगी, सैर कर लेती हूँ,
फिर मिलती हूँ नीचे जाके मम्मी के साथ। सना की क्लास चल रही है, मैं नीचे आ गई थी, गर्म पानी पी लिया। सना की क्लास चल रही है और शौर्य वहाँ टीवी देख रहा है, उसके भी सर आने वाले हैं। ठीक है भाई, ये देखो सना प्लान बना रही है अपना यार। दो मिनट यार, अभी कोई अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये जा पाएगी या नहीं। क्रेजी फैम आप कमेंट करो इसको कहाँ जाना चाहिए, ये वेट कर रही है आपके कमेंट का। कल ये नहीं जाएगी, ये हमने इसको वो दिया है कंडीशन, ये देख लो। ये इसको कुछ भी मिल जाए सेक्स करता रहता है। और ये क्रेजी फैम इसलिए हो रहा है, हाँ ये कॉपी कर रही है शौर्य की। अभी तो परमिशन मिली हुई है, अभी तो ये कहते हैं कि मम्मा मैं मना किस मुंह से करूं क्योंकि एक बच्चे को भेजा। और मजे की बात, ये कॉपी पेस्ट कर रही है शौर्य का प्लान। नहीं तो क्या हो गया, और घूम के कहां है बच्चे से ज्यादा। मैं दूसरे मॉल जा रही हूँ, मैं दूसरी चीजें कर रही हूँ। अभी आज कह रही थी कि आज जाना है, आज भी नहीं गई। और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी फिर बोलते क्रेजी फैम को कि मैं कल नहीं मिलूंगी। ये फिर आपको जाएगी द स्पाइडरमैन, और फिर आपको यही मिलेगी ऐसे ही। अरे वो देख के आना, विक्की कौशल और सारा अली खान की तेरे वास्ते यार, उसका मिला जुला रिव्यू है। अभी हम लोग नहीं है क्रेजी फैम, मैं फर्जी की देख ली, मेरा मन कर रहा है। ये ना मिले जुले रिव्यूज आ रहे हैं, अभी कई लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है, बट मुझे तो वो गाने से ही मुझे लगता है पैसा वसूल है। वो गाना ही इतना प्यारा, वो कौन सा एक्शन है करके दिखाओगे सर? सना करके दिखाई तेरे ऐसे, वो सर्कल घुमाना है। कितनी चीजें होती ना तेरे, चल इधर इधर आके इधर आके, इनको आते नहीं। चल यार वो आज आज का तुम्हें जाने देती, वो बुक से आप कॉपी कर दो। ये देखो ये ढोलीरा ढोल रे पका रहे हैं यार, टाइम दे टाइम दे पहले ये देखो वीडियो देखे जा रही है। करो करो करो, मुझे लग रहा है ये ऐसा लग रहा है सारे जीतेगा ये, जैसे ड्राइंग कंपटीशन जीता ना। देखो प्रीति मैम अब तैयारी हो रही है वेजीज पोटैटो की। पोटैटो वेजेस बना ली थोड़े से, रोटी खाएंगे बस बच्चे। और ये क्या आया है क्रेजी फैम, और ये कल बना रही हूँ मटर कुलचे, जो कि बड़े टेस्टी होते हैं। कुलचे कल ही आएंगे, कुलचे तो कल ही आएंगे, और इसमें इजी होता है काम, सिर्फ बॉईल करने होता है। बच्चों को लगता है मैंने पता नहीं कितना काम कर लिया, और वो भी मिस्ट्री मैन का कमाल होता है मसाले बसाने का। और मसाला हम ना रेडी वाले भैया से 20 रुपए का ले लेते हैं, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसकी रेसिपी मेरे से मत मांगना, क्या दूंगी ना ये, क्या बताऊंगी कि बॉईल करें बस। मैं आप छिलको उतार दूं, नहीं उतारे वो आपकी मर्जी है। हम मैं बच्चे मेरे नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो वैसे मार्केट में भी नहीं मिलता। नहीं वैसे मार्केट में वो मिलते हैं, मार्केट में पील के साथ मिलता है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर ना क्या कहते हैं अपना अपना टेस्ट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता ना वो, मेन रीजन यही है इसका। जो आप देखो उसकी तैयारी क्यों करी है, उसके इक्वल इक्वल इसकी मोटाई, वरना एयर फ्राई में ना कोई कर देगा, कोई नहीं करेगा। कच्चा खा के दिखा दे, 100 रुपए इनाम। चल अभी दूंगा, अभी क्या बच्चे को क्या चाहिए। चलो अब इसके बाद ना इसको सबसे जरूरी जो चीज है ना, इसको कोल्ड वाटर में डालना, आइस वाटर। ये भी मेरी रेसिपी है क्रेजी फैम, आइस वाटर में इसको सूप नहीं करेंगे, अब करेंगे तो क्रिस्पी बनेंगे। चलो खा के दिखा, पूरा पीस नहीं एक भाई, पूरा पूरा खाएगा तभी 100 रुपए खा सकता हूँ। खा खाली शुरू हो जाएगी, 100 रुपए तभी मिलेंगे वरना नहीं। इसको मैंने आइस डाल के रख दिया क्योंकि आइस वाटर का इसको बात कराना बहुत जरूरी, क्रिस्पी बनते हैं इससे। ये थी आज की अमूल प्रोटिप प्रोटिप yes. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हाँ। कौन और ये नहीं खा पाया कौन? अमूल। अच्छा अमूल तेरा दोस्त अमूल पालेकर। वो दुकान वाले भैया। हाँ दुकान वाले भैया अमूल। अरे हाँ हाँ वो क्रेजी फैम आपको पता चल गया होगा, ये नहीं खा पाया पोटैटो, पूरा झूठ बोल रहा है, खा ले चाची की कसम। मैं कसम ही नहीं खाता, कसम से। 100 रुपए कैंसिल आपके। अच्छा चलो आओ ये देखो इसके लिए नेक्स्ट चीज है, ये गार्लिक। गार्लिक का पाउडर भी आता है, बट इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल ग्राइंड करके ना ये यूज करूँ, मुझे इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। अभी गार्लिक, अभी गार्लिक ब्रेड के लिए कमेंट करो, फिर चाची बनाएगी हमारे लिए गार्लिक ब्रेड। दीदी आने वाली तब बनाएंगे, दीदी तो आने वाली है, तो क्या हो गया सारे पदार्थ डाल दिए इसमें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल लो, नटेला भी डालना वो भी डाल दो। बकवास कर रहा है। और मेरे पास ना ये भी था, ये देखो, ये कोई वही बात है स्पॉन्सर्ड नहीं है, कह रहा है सबको ना इसकी एड आ रही है स्नैपिन की। और ये हमारे घर में यही चीजें यूज होती है, सौर्य हमारा ना बहुत खाता है, बहुत चटोरा है। कुछ भी जब घर में कोई ऐसा एक भी चटोरा बंदा हो ना, तो उसके लिए ऐसी चीजें लेके रखनी है। कोई नहीं, सबसे पहले कंटेस्टेंट आ रही है सबीना महाजन। 3, 2, 1, एक्शन। ये कहानी है।
बहुत ही बुरा करा। अब हमारा आ रहा है जीनियस प्लेयर मेन कंटेस्टेंट। क्या बात है, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। चलो थोड़ा वेरी गुड, तालियां तालियां किसी ने नहीं बजाई। कितने 3, 2, 1 भाग जाएगी। बारी पूरी, अब आई खाने की बारी। आओ बैठो सारे, हम खाए खाना साथ में। गए हैं गोकुल धाम के साथ डिनर करने। दया बहन ने खाना बनाया आज। मैं भी फेसबुक पे देखता हूँ। अच्छा दया बहन देखो है, मैं कह रहा था दया बहन नहीं भेज रहे, तो फिर वो जो बन रहे हैं ना वो दिखा के आपको, वो भी खिलाएंगे अभी छोरे को। मस्त बन रहे हैं। मैंने मतलब यार मैं तो छोटे होते थे बहुत बनाती थी, अब काफी टाइम से नहीं बना रही, तो मैंने कहा इनको खिलाऊं। छोटे होते तुम लोग छोटे थे तो अच्छा मतलब एयर फ्राई जब नया नया लिया था तब तो सब कुछ ट्राई करती थी, अब तो एयर फ्राई रो रहा होगा हमारे घर आके कि कहां आ गया ये, कहां आ गया हूं मैं। और कोई अगर रेसिपीज किसी को आती है, अगर और किसी को रेसिपीज एयर फ्राई की कुछ और आती है तो हमारे साथ शेयर करो, हमें तो खैर मुझे तो वैसे बहुत आती है रेसिपी, सब टेस्ट करेंगे ये क्या चीज बन गई है। चलो सना खा के देखो। हाँ। जा रही मिस्ट्री मैन को टेस्ट कराने, गलत रूम में जा रहे हो, गलत रूम में जा रहे हो। मिस्ट्री मैन इसके अंदर वेट ही नहीं है, चाहिए क्यों नहीं टेस्ट करेगी वो। चलो सॉरी टेस्ट तो दे दो, ट्रेंडिंग कर देंगे ब्लॉग की। गरम है अभी ध्यान से। हाँ मस्त है, मस्त बना यार, बहुत बढ़िया बने हैं ना, अच्छे लगे ना बाकी क्रंचीनेस और अंदर की क्रंचीनेस, अंदर सॉफ्ट है ऊपर से क्रंची yeah. जैसे कि मेरा बिहेवियर है, बाहर से रूड अंदर से सॉफ्ट। मिस्ट्री मैन खा रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत टेस्टी बना है, बस मसाले उनसे डलवा लेते तो और अच्छे लगते। ये भी मम्मी की तरह तारीफ नहीं करते हैं, कोई इलाज हो किसी के पास तो बताइए, जो इन लोगों के दोनों के मुंह से तारीफ निकले, मम्मी और मिस्ट्री मैन के मुंह से, भैया बहुत तारीफ करते हैं, दीदी भी कम करती है, दीदी आप भी करना सीखो। और चलो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।